दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो जॉब के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ ये निकला है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे SEBI की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 का पोस्ट सब निकला है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है ये प्रीवियसली एडवर्टाइजमेंट निकला था और इसका लास्ट डेट था मार्च 23, 2020, लेकिन कोविड के वजह से इसका जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड किया गया है, जो कि आपका 31 अक्टूबर तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपका ग्रेड A में यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रीम सब है, जनरल स्ट्रीम, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम और रिसर्च स्ट्रीम और ऑफिशियल लैंग्वेज में पोस्ट सब है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब बोला है उसके बारे में डिटेल में अगर देखेंगे तो जो जनरल कैटेगरी में जो पोस्ट सब है यहाँ पे 80 पोस्ट टोटल रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बोला है, बैचलर डिग्री अगर आप लॉ में, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में किए हैं या फिर CA, CFA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट किए हैं तो भी आप इस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों लीगल में। लीगल में आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है 28, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा गया है। वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट जो है 17 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये सब में MCA किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री करके जनरल जो बैचलर डिग्री होके अगर आप 2 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे दोस्तों एक पोस्ट है जिसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग बोला है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 या 4 पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मांगा गया है। रिसर्च में जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और जो लास्ट पोस्ट है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का एक पोस्ट है, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और बैचलर डिग्री में आपका ये जो एनी वन सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश, तो आप ये सब पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ओदर जो PWD कैंडिडेट के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है डिटेल में यहाँ पे दे दिया, आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। मैं डिटेल में उतना नहीं जा रहा हूँ। एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे 30 ईयर्स, और जो जनरल के लिए, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का रिलेक्शन है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का यहाँ पे एज का भी रिलेक्शन रखा गया है। तो आप जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला है कि आपका एज जो है फेब्रुअरी 29, 2020 के अंदर में 30 ईयर्स होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन, आपका कास्ट के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे फेज 1 में एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फेज 2 में एक एग्ज़ाम होगा। फेज 1 में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क है, 60 मिनट का, कट ऑफ परसेंटेज जो है 30%। फेज 2 में जो है दोस्तों यहाँ पे आपका जो जनरल स्ट्रीम के लिए है 100 मार्क, 40 मिनट। जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है जैसे लीगल हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, वहाँ पे 100 मार्क है, 40 मिनट, कट ऑफ है 40%। तो एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पे रखा गया है 40%, जो आपका फेज 1 में यहाँ पे एग्जामिनेशन रखा गया है। फेज 2 में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2। ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, जनरल जो स्ट्रीम है जैसे सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोस्टिंग, ये यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 40 मिनट का, 40% यहाँ पे कट ऑफ मार्क रखा गया। वैसे ही जो स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम है यहाँ पे 100 मार्क है, 40 मिनट है, 40% यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क रखा गया है। तो आपको दोनों अगर एग्जामिनेशन में मिनिमम जो कट ऑफ स्कोर रखा गया है 40%, दोनों एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों जो शॉर्टलिस्टेड होगा इंटरव्यू के लिए उन लोगों को इंटरव्यू में बोला जाएगा। तो इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीपल है सब जो ग्रेड A में होंगे, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल रखा गया है। पे स्केल दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा है, 2,850 से 55,600 यहाँ पे रखा गया है जो पे स्केल। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मुंबई में कोई अगर किसी का पोस्टिंग होता है तो 1,07,000 पर मंथ उसका विथ अकोमोडेशन जो सैलरी होगा, विदाउट और विदाउट एकोमोडेशन 1,07,000 पर मंथ होगा, विथ एकोमोडेशन 73,000 पर मंथ उनका जो सैलरी रहेगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट, उधर जो बेनिफिट, लिप मेडिकल एक्सपेंडिचर और एजुकेशनल अलाउंस, फाइनेंशियल डेली अलाउंस, ये सब जो उधर अलाउंस है यहाँ पे रखा गया है। ये जॉब में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे एकोमोडेशन फैसिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है अवेलेबिलिटी के हिसाब से रेसिडेंशियल जो एकोमोडेशन मिल जाएगा। पोस्टिंग जो रखा गया है सेबी का, कोई भी आपका लोकेशन में आपका पोस्टिंग यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो मोस्टली जितना भी स्टेट के कैपिटल में यहाँ इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, जो आपका अगर फेज 1 का यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वैसे ही फेज 2 में भी जो एग्जामिनेशन है मोस्टली जितना भी स्टेट के कैपिटल में यहाँ पे है। फेज 2 में नंबर ऑफ सेंटर थोड़ा कम है, लेकिन हर स्टेट में आपको इसका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो ऑन द जॉब OBC कैटेगरी के लिए 1000 रखा गया है, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ दिया रखा गया है। आपको इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन में, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है या PWD कैटेगरी के लिए, या फिर आपका कुछ डाउट होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज के लिए, तो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाके देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।